कमाने के लिए डोमिनोज ने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। गाइस 1990s में डोमिनोज को कोई पसंद नहीं करता था, सबको पिज्जा हट ज्यादा पसंद था। डोमिनोज जानता था कि चाहे रेस्टोरेंट में पिज्जा खाना हो या घर पे होम डिलीवरी करवाना हो, दोनों में ही पिज्जा हट उनसे बहुत आगे है। तो डोमिनोज ने सोचा कि क्यों ना वहाँ पिज्जा बेचा जाए जहाँ कोई नहीं बेच रहा, स्कूल्स। उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया स्कूल टू पिज्जा, जहाँ वो स्कूलों में पिज्जा बेचेंगे। मगर स्कूल अथॉरिटीज ने साफ शब्दों में मना कर दिया क्योंकि पिज्जा कितने अनहेल्दी होते हैं। लेकिन जब डोमिनोज ने ऑफर दिया कि वो बुक्स की डोनेशन और चैरिटी करेंगे अगर उन्हें पिज्जा बेचने दिया जाए, तो बहुत से स्कूल्स मान गए और डोमिनोज की लॉटरी सी लग गई। लाखों में पिज्जा बिकते चले गए, जिससे डोमिनोज को फ्यूचर कस्टमर्स और बच्चों को मोटापा मिलता है।